हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए फिर मैथ का क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिए क्वेश्चन पढ़ लिए हम। चलिए इसको हल करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए दो वर्ग है। मान लीजिए एक वर्ग यह है, वर्ग एक वर्ग ये है। ठीक है, दो वर्ग है। इसका भुजा मान लेते हैं x, इसका भुजा मान लेते हैं y। तो वर्ग मतलब होता है जिसका सभी भुजा बराबर हो। ये भी x तो ये भी x, ये सॉरी ये x तो ये भी x, ये y है तो ये भी y और ये भी y, सभी भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, दो वर्ग है। ठीक है, वर्ग का परिमाप भी दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल का योग भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या, जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर? एक होता है वर्ग का परिमाप, परिमाप इसका परिमाप होता है 4 × 1 भुजा। ठीक है, भुजा ए भी मान सकते हैं, इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4a भी लिख सकते हैं, भुजा की जगह ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो वर्ग है तो हम क्या करते हैं, दोनों वर्ग की भुजा मान लेते हैं। तो माना, यहाँ पे मानते हैं, माना प्रथम वर्ग की भुजा, क्या मान है प्रथम वर्ग, यह है x, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्षेत्रफल का योग दिया है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ सूत्र लिख के दिखाते हैं आपको, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगी, भुजा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तथा लिख देते हैं, दूसरा वर्ग की भुजा क्या मान है, वाई मान है तो वाई लिख देते हैं, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो भुजा स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ, वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। प्रश्नानुसार चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468। ठीक है, क्षेत्रफलों का योगफल दिया हुआ है आपको, क्षेत्रफल का योग कितना दिया हुआ है, 468 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। देखिए दो जो दोनों वर्ग है इसका क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल मतलब एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों क्षेत्रफल का योग किसके बराबर है, 468 के बराबर लिख सकते हैं। दोनों का क्षेत्रफल का योग कर दिए हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468, इसको हम समीकरण एक का नाम देते हैं, ये एक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ देते हैं, यहाँ आप दिया है परिमापों का अंतर। ठीक है, तो परिमाप पहले निकाल लेते हैं, प्रथम वर्ग का परिमाप, परिमाप परिमाप सूत्र होता है 4 × 1 भुजा, जब 4 × भुजा कितना माने है, x माने है, तो x से कितना हो गया 4x, दूसरा वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 × 1 भुजा, तो 4 × 1 भुजा, यहाँ भुजा का वाई माने हैं तो 4y, यहाँ 4x और 4y, कोई दिक्कत नहीं। सवाल में दे रखा है उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। ठीक है, देखिए यहाँ लिख देते हैं, परिमापों का अंतर कितना दिया हुआ है, 24 मीटर। ठीक है, दोनों वर्ग का परिमाप का अंतर 24 मीटर दिया है, तो पहला वर्ग का परिमाप 4x है, दूसरा वर्ग का परिमाप 4y है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 4y किसके बराबर है, 24 के बराबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए ये समीकरण एक बन गया, इसको क्या करते हैं, कॉमन लेके छोट कर देते हैं, 4 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू
24, तो 4 × 4 = 24, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर 6 लिख सकते हैं। यहाँ से भी एक समीकरण निकल गया, ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर 6। यहाँ फिर क्या करते हैं, देखिए एक्स के बराबर 6 अब प्लस वाई लिख सकते हैं, एक्स बराबर 6 पहले से वाई को उधर ले गए प्लस में वाई हो गया, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 का नाम देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 का मान इस समीकरण जो 1 है ना इसमें रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। चलिए इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। कोई दिक्कत, एक्स का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में एक्स का मान रख रहे हैं, तो एक्स का मान मुझे कितना मालूम है, यहाँ पे देख लीजिए, एक्स मान है 6 प्लस वाई, तो एक्स जगह 6 प्लस वाई लिख सकते हैं, 6 प्लस वाई इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया ना, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। देखिए ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने ए का मान 6 हो गया, बी का मान वाई हो गया, फिर है वाई स्क्वायर बराबर 468। देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो गया, वाई स्क्वायर 6 दूनी 12, ये 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए वाई स्क्वायर ये हो गया 2y स्क्वायर, यहाँ 12y है, क्या हो गया है 12y प्लस 12y, कोई दिक्कत, अब प्लस 36 बराबर 468। अब हम क्या करते हैं, देखिए 2y स्क्वायर प्लस 12y 468 को इधर लाते हैं, तो प्लस में है, ये कितना होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में है 432 के बराबर 0। यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा वाई स्क्वायर 2 × 12 माइनस 2 से 432 में भाग देंगे 216, ये बराबर 0। देखिए अब क्या करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 के बराबर 2 के जब उधर ले जाएंगे तो 0 पहले से है, 2 से गुने में, तो 0/2 क्या होता है 0, 2 यहां से हट गया। आप देखिए ये आपके पास समीकरण बन के आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है, सो द्विघात सूत्र से या गुणनखंड विधि से इसको आपको हल करना है। देखिए 216 का खंड कीजिए, आपको प्लस में 6 लाना है, ठीक है, गुणनखंड आपको आता ही होगा। चलिए इसको मैं हल करके आपको दिखाता हूँ, गुणनखंड आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। वाई स्क्वायर आज 6 आपको लाना है ना, तो यहाँ लेना पड़ेगा प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216, 18 12 से गुना करेंगे 216 हो जाएगा, 18 में से 12 जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। तो y कॉमन यहाँ पर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 18, या माइनस में 12 कॉमन लेंगे तो y माइनस माइनस 12 प्लस 18 ये बराबर 0, 12 से 216 भाग करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए y प्लस 18 इंटू y माइनस 12 बराबर 0, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस में 18, ठीक है, फिर y माइनस बराबर 0, तो y बराबर 12। देखिए ये माइनस में आ रहा है, ठीक है, और किसी चीज़ का भुजा माइनस में तो होता नहीं है, होता है नहीं होता है, तो ये नहीं लेंगे, आपको y बराबर 12 आपको लेना है। सवाल में पहले बताया गया है, देख लीजिए यहाँ पे दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है आपको, ठीक है, एक भुजा x मान है दूसरा y मान है, ठीक है, आपको माइनस लेना नहीं है, आपको लेते हैं y बराबर 12 लेने पर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तब यहाँ हो जाएगा प्रथम वर्ग की भुजा, ठीक है,
क्या मान है प्रथम वर्ग 2000 देख लीजिए। एक्स मान है, आपको एक्स का मान मालूम है नहीं, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं एक्स 6+y लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6+y, एक्स बराबर यही ना है, देखिए तो 6+y का मान 12 कितना हो गया 18 मीटर। दूसरा वर्ग की भुजा, वही y का मान जो आया है 12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।